डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स में पिछले दिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में, जो खंड 4 था। ठीक है, और इस खंड का एक ही चैप्टर था। हालांकि पिछले दिन हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कुछ भाग, यानी उसके पहले हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़े इसके पिछले, जस्ट पिछले क्लास में, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे के सॉरी तरंगे चैप्टर में स्पेक्ट्रम के कुछ भाग होते हैं, जैसे गामा किरण, एक्सरे। तो उसमें हम लोग ने महत्वपूर्ण कुछ स्पेक्ट्रम के भाग को पढ़ा। और भी भाग हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जैसे गामा किरणें और रक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो खंड 4 चल रहा था, खंड 4 जिसका नाम क्या था, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर दिए। और आपको पता होना चाहिए खंड 4 में एक ही चैप्टर था। जैसे अलग अलग खंड में कुछ चैप्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस खंड में चैप्टर भी वही था और खंड भी वही था, इसलिए हम लोग इसमें पूरा के पूरा टॉपिक्स को अच्छे से डील किए, अच्छे से कंप्लीट किए। अब आइए हम लोग चलते हैं, आज एक नए खंड और नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। अब हम लोग खंड चलने वाले हैं 5। आपको पता होना चाहिए खंड टोटल फिजिक्स में 6 हैं, हम लोग 5वें खंड में आ चुके हैं, खंड 5। दोस्तों, खंड 5 का नाम है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिक्स। अगर आपको, अगर आज से कोई पूछेगा कि अभी फिजिक्स में क्या चल रहा है, तो आप अंग्रेजी में ऑप्टिक्स बोल सकते हैं या प्रकाशिकी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल खंड में, यानी कि इस खंड में बात करें, प्रकाशिकी वाले खंड, ये खंड का नाम हो गया प्रकाशिकी। ठीक है, अब इसके नीचे अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर है। ठीक है, अब 8 चैप्टर को हम लोग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस 8 चैप्टर का भी बंटवारा किया गया है, इस 8 चैप्टर का भी बंटवारा किया गया है प्रकाशिकी के 2 भाग। एक का नाम है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, ठीक है, और दूसरा में हम लोग डील करेंगे तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो प्रकाशिकी का 2 पार्ट होता है, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। यानी अगर खंड 5 में प्रकाशिकी के बारे में अगर जाने, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसके 2 प्रकार हैं, एक किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में अगर बोले तो टोटल 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर, सॉरी यहाँ पे 8 चैप्टर नहीं हम लोग डील करेंगे, 7 ही चैप्टर, गलती से 8 लिखा गया था। टोटल प्रकाशिकी में 7 चैप्टर है, 4 चैप्टर किरण प्रकाशिकी का है और 3 चैप्टर तरंग प्रकाशिकी का है। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, यानी 4 चैप्टर किरण प्रकाशिकी का, 3 चैप्टर तरंग प्रकाशिकी का। पहला जो किरण प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, याद कीजिए, ये हम लोग 10th में भी पढ़े हुए थे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में हम लोगों को कुछ नॉलेज भी है। अगर हम लोग नहीं भी पढ़े हैं, तो आज हम लोग 12th क्लास में इसको डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो ये हम लोगों का किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर का नाम है
गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। अब गोलीय सतह का मतलब किसको कहेंगे? गोलीय सतह का मतलब जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक गोला का भाग होता है, एक गोला का भाग होता है, उसको हम लोग गोलीय सतह बोलते हैं। फिर बात करें तो प्रकाशीय यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी और बहुत सारा प्रकाशीय यंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जो प्रकाश के लिए, एक यंत्र के लिए काम करता है। फिर अगर बात करें तो चौथा इसका प्रकाशीय किरण प्रकाशिकी का भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है इसको? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये हम लोगों को किरण प्रकाशिकी का चौथा चैप्टर है। फिर बात करें तरंग प्रकाशिकी में, तो तरंग प्रकाशिकी में हम लोगों को तीन चैप्टर का नाम है, एक में तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे और एक में, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे विवर्तन, और फिर एक टाइप्स होता है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण और ध्रुवन, ये दूसरा हो गया तरंग का चैप्टर, और पहला में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो तरंग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से जब हम लोग 7 चैप्टर खत्म करेंगे, तब हम लोगों का प्रकाशिकी खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी जो हम लोग चलने वाले हैं प्रकाशिकी में, वो पार्ट्स है, वो पार्ट्स हम लोग चलने वाले हैं किरण प्रकाशिकी का। यानी अभी हम लोग प्रकाशिकी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रकाशिकी में कौन सा पढ़ रहे हैं? तो किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में जैसा कि जान रहे हैं 4 चैप्टर, तरंग प्रकाशिकी में 3 चैप्टर। तो किरण प्रकाशिकी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है किरण प्रकाशिकी का। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रकाश के, किरण प्रकाशिकी के इस महत्वपूर्ण चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। आखिर जो हम लोग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश अगर नहीं रहे तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। प्रकाश का मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी वस्तु को देखने में सहायक है। प्रकाश जो है हम लोगों को किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, तो लिखा जाए उसके नीचे एरो देकर, कोई टॉपिक्स नहीं, सिर्फ प्रकाश के ही बारे में, यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं लेना, ऐसे ही लेना है एरो। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आँखें वस्तुओं को देख पाती है। ऐसे लिखिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आँखें वस्तुओं को देख पाती है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि प्रकाश के बारे में अगर कोई पूछेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें वस्तुओं को क्या कर सकती है, देख सकती है। यानी कि प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, राइट। अगर प्रकाश नहीं रहे हम लोग नहीं देख पाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग, आपको पता है कि हम लोग रात में नहीं देख पाते, क्योंकि रात में प्रकाश किरणें नहीं होती है, दिन में हम लोग पूरा देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश होती है। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो। प्रकाश की प्रकृति तथा उसके गुणों का अध्ययन, प्रकाश के
प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन भौतिकी के जिस भाग में किया जाता है वह प्रकाशिकी कहलाता है। वह प्रकाशिकी कहलाता है। जी हाँ, देख पा रहे होंगे प्रकाशिकी हम लोग किसको कहते हैं, प्रकाशिकी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के जिस भाग में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी का मतलब ही होता है कि प्रकाश के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट, एरो देंगे। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन, पहला लिखेंगे किरण प्रकाशिकी। दूसरा तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी के कितने भाग हुए, कितने टाइप्स हुए, तो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि किरण प्रकाशिकी का भी डेफिनेशन हम लोग जान सकते हैं कि आखिर किरण प्रकाशिकी है क्या और तरंग प्रकाशिकी क्या है। तो अब छोटा सा पॉइंट लेंगे किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी हम लोग टॉपिक्स लेंगे, टॉपिक्स नहीं एकदम छोटा सा पॉइंट है, बस डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर किरण प्रकाशिकी क्या है। ठीक है, चलिए किरण प्रकाशिकी में लिखा जाए, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन से प्रतिबिंब का बनना आदि विषयों पर अध्ययन किया जाता है। वह किरण प्रकाशिकी कहलाता है। वह किरण प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए देखा जाए तो किरण प्रकाशिकी किसे कहते हैं, तो किरण प्रकाशिकी किसका भाग हुआ, प्रकाशिकी का है ना, यानी कि प्रकाशिकी को ही ना हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें परावर्तन अपवर्तन से बनने वाला जो प्रतिबिंब रहता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग किरण प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, अब जरा दूसरे पार्ट्स को देख लेते हैं जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, अब लिखा जाए तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी में एरो दिया जाए, लिखेंगे प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें
प्रकाश के, प्रकाश के प्रकृति, प्रकृति कॉमा विवर्तन, विवर्तन विवर्तन, अभी सिर्फ लिख लीजिए, बाद में हम लोग देखेंगे कि विवर्तन क्या है। विवर्तन ध्रुवन, ध्रुवन तथा तथा तरंग सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तथा तरंग सिद्धांतों सॉरी तरंग सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। वह तरंग सिद्धांत सॉरी तरंग प्रकाशिकी कहलाता है, वह तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। देख लीजिए तरंग प्रकाशिकी क्या है, तो प्रकाशिकी का वह भाग यानी कि प्रकाशिकी का वह पार्ट जिसमें, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश का क्या प्रकृति के बारे में यानी कि प्रकृति में क्या क्या लिया जाता है, तो विवर्तन ध्रुवन तथा तरंग सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि विवर्तन ये नया नाम सुन रहे होंगे और ध्रुवन और तरंग सिद्धांत, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है, जब हम लोग तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे तब हम लोगों को ऑलरेडी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है ये सब सारे चीज। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि तरंग प्रकाश की किसको कहते हैं, तो प्रकाश की के वह भाग जिसमें विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ध्रुवन के बारे में पढ़ेंगे, तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वह कहलाता है तरंग प्रकाश की। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक लेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है, देखिए परावर्तन का मतलब देखिए दो तरह का चीज़ें होती हैं और लोगों को कन्फ्यूजन होता है, एक हम लोगों को मिलेगा परावर्तन और दूसरा मिलता है अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है दोस्तों, तो दो सिचुएशन याद रखना है। पहला सिचुएशन मान लिया कि एक दीवाल है, ठीक है एक क्या है दीवाल है, और दीवाल पे जब आप बॉल को स्ट्राइक करते हैं, बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो फिर से बॉल अपने ही ओर वापस आ जाते हैं, यानी कि एक गेंद को जब दीवाल पे मारेंगे तो क्या होगा, दीवाल से टकराकर अपने ही ओर आएगा। तो अगर ऐसी घटना होती है कि अगर प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने की क्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन किसको कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपने ही ओर वापस लौट जाती है, इसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर कुछ वैसी भी वस्तुएं हैं जो जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। यानी अपवर्तन का मतलब है कि वस्तु को आर पार कर जाना, वस्तु का पार हो जाना, किस कौन पार हो जाएगा, तो प्रकाश की किरण, प्रकाश का जो किरण है जिसे टॉर्च लाइट मारते हैं हम लोग, टॉर्च का लाइट मारते हैं तो यहाँ जो शीशा रहता है, शीशा जैसे लैंप का शीशा, लालटेन का शीशा या फिर खिड़की का शीशा के आर पार चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन। ठीक है, लेकिन दोस्तों जिसमें आप खुद ही आईना में चेहरा देखते हैं तो वहाँ पे जब आप टॉर्च उस पर मारेंगे तो अपने ही दिशा में उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि अपने ही ओर वो लौट जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब कि किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर अपने ही ओर वापस लौटती है, दैट इज परावर्तन। अगर वो प्रकाश की किरणें उस वस्तुओं के जिस पर स्ट्राइक किया जाता है, फोकसित किया जाता है, उसके आर पर चला जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नीचे एरो लिया जाए, लिखेंगे प्रकाश के
उसके लिए चारों दिया जाए, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नीचे फर्स्ट एरो, लिखेंगे लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर डाला जाता है तो प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर अपनी ही ओर वापस लौट आता है अपने ही ओर वापस लौट आता है वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके नीचे आप परावर्तन का फिगर भी बना देते हैं। जैसे मान लिया कि एक कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, हमको पता नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे किरण को स्ट्राइक किए, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, किरण आया तो यहाँ पे वापस लौट आया अपने ही ओर। देख पा रहे होंगे यहाँ से जब किरणें आई तो टकराकर इस पॉइंट पे टकराकर वापस लौट आई। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से भाग होते हैं, चलिए उसके बारे में अब हम लोग जरा देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि प्रकाश के जो परावर्तन के भाग होते हैं, तो भाग में जो होता है, सबसे पहले एक दर्पण होता है, यानी कि एक वस्तु होता है जिस पे प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, तो ये हम लोगों का वस्तु है। इस वस्तु का नाम क्या है, इस वस्तु का नाम है एमएन, ठीक है। अब यहाँ से किसी पॉइंट पे प्रकाश डाला जाता है तो इस पॉइंट से, यानी कि एक ओ बिंदु है जिस पे प्रकाश की किरणें डाली जाती है। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि जो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर डाली गई उस प्रकाश की किरणों को बोलते हैं आपतित किरणें, ठीक है। और दर्पण से या वस्तु से टकराने के बाद जो यहाँ पे रेखा निकल रही है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरणें। तो ध्यान रहे, परावर्तित किरणें किसको कहते हैं, तो किसी बिंदु पर आपतित किरणें जब टकराकर वापस लौटती है तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरणें, ठीक है। आपतित किरणें और परावर्तित किरणें समझ में आया, यानी कि हमेशा ये चीज़ें हम लोग को समझना चाहिए कि किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें आती है तब आने वाले को बोलते हैं आपतित किरणें, और टकरा कर अगर वापस जाएगा हम उसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। और दोनों ओ बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर जब लंब डाला जाता है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक एम एन जो वस्तु है इसके ओ बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब,
इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है, इसको अभिलंब कहा जाता है। और इस अभिलंब से एक आने वाली किरणों का कोण बन रहा है और एक लौट कर जाने वाली किरणों को कोण बन रहा है, जिसको हम लोग आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं। आई का मतलब हुआ आपतन कोण, आपतन कोण, और आर को कहते हैं अप परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। ठीक है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि आपतित किरणें किसको कहते हैं, तो आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरणें, और उसके बीच वाले यानी कि इस दर्पण MN जो दर्पण है या वस्तु बोल लीजिए, उसके ओ बिंदु पर डाला गया जो लंब है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर नाम दे दें तो इसका नाम ए है, ओ इसका हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ ए बी को, सॉरी ए ओ ये वो है ना, तो यहाँ पे ए ओ को क्या बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा आपतित किरणें, आपतित किरण। और ओ बी को क्या बोलते हैं, ओ बी हो गया हम लोगों को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और एम एन क्या हुआ, वस्तु, एम एन एक क्या है, वस्तु है, एम एन एक वस्तु है, और वस्तु में हम लोग बोल सकते हैं कि दर्पण लिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि दर्पण से वो टकराकर वापस जा रही होगी किरणें। अच्छा, एन ओ जो है अभिलंब बोलते हैं, एन ओ को क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक, अभिलंब। और एंगल आई जो है यानी कि ए ओ एन, एंगल आई बोल सकते हैं, कोण आई या फिर एंगल ए ओ एन को हम लोग बोलते हैं आपतित कोण या आपतन कोण। ठीक है, आपतन, आपतन कोण, राइट। नाउ फिर नेक्स्ट जो है वो एंगल आर है, एंगल आर का मतलब होता है एन ओ बी, एंगल एन ओ बी, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फिगरली ड्रॉ में, तो किसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरणें, किसको परावर्तित किरणें, किसको वस्तु है, कौन सा विलंब है, तो यहाँ पे सब चीज़ क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि किसको कौन सा क्या बोले जाता है। अगर हम ओ को सिर्फ बोलते हैं, ओ को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु का मतलब वह बिंदु जहाँ पे प्रकाश की किरणें आकर उस वस्तु से टकराती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये फिगर VVI है, आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, फिगर बनाने के बाद उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब ये दो नियम कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, तथा तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लो भाई, पहला जो नियम है वो बिल्कुल सटीक है, वो क्या है कि आपतित किरणें, ये होगी आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब, वो कहाँ अभिलंब है, तो आपतन बिंदु ओ पर डाला गया अभिलंब,
तीनों जो है एक ही तल में है, एक ही बिंदु से क्रॉस हो रहा है, इसलिए बोल रहे कि तीनों जो है एक ही तल में है। कौन कौन सा तीनों एक ही तल में है? तो आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ है? एक ही तल में है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। अब इसका दो नियम है तो दूसरा लिखा जाए। दूसरा में लिखेंगे, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा में लिखेंगे, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों आपको दूसरा नियम याद रखना चाहिए कि आपतन का कोई का कोण का मतलब आई और परावर्तन कोण का मतलब आर, दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। उसके नीचे लिखिएगा अर्थात, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल सॉरी एंगल आई बराबर एंगल आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसको बोलते हैं हम लोग आपतन का कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन का कोण। तो हमेशा आपतन का कोण परावर्तन का कोण का क्या होता है? बराबर होता है। ये हम लोगों को दूसरा नियम है। तो आप दोनों नियम को ही याद रखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़े, अब अगले दिन थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।